और आप लोगों ने प्रिपेयर किया है? कितने बच्चों ने प्रिपेयर किया है? कितने बच्चों ने प्रिपेयर किया है? अनुषा, ओके, निशेल, ओके, एलिदा, एंजल और ईशान ने किया है प्रिपेयर। तुमने भी मैं किया है? भी गाऊंगा गाना, जेनिफर ने भी किया है? एक सॉन्ग तो गाऊंगा, ओके, सुन रहे अभिषेक सुन ने भी किया है? अभिषेक भी गाएगा ना, हाँ, एंजल, एलिजा दोनों ने किया। ठीक है, पहले हम जल्दी से प्रे करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज और अपना माइक म्यूट कर लो। सब बच्चे, सब बच्चे अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है। चलो, लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद ने फिर से सुंदर समय के लिए खुदाया, जबकि हम लोग यहाँ पर खुदा इस टेक्नोलॉजी के जरिए खुदा साथ में इकट्ठे हैं। खुदा खुदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ इन सारे बच्चों के लिए खुदा, जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि आपके वचन आगे बढ़ना चाहते हैं खुदा, आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इन सारे बच्चों को आशीषों से भरपूर कीजिए खुदा। खुदा प्रार्थना करती हूँ उनके पेरेंट्स के लिए भी खुदा, जबकि इनको इनकरेज करते हैं और कि वो आपके बच्चे को सीख सकें खुदावन, और वो खुदावन आपके नाम में आगे बढ़ सके खुदा। उनके पेरेंट्स को भी ब्लेस कीजिए खुदावन, और खुदा सारे बच्चों की फैमिलीज के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। इनके फैमिलीज में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, उसे दूर कीजिए खुदावन, और इन सबको अपनी पनाह में स्वस्थ सुरक्षित रखिए खुदावन। प्रार्थना करती हूँ आपसे इस समय खुदा छोटे बच्चे अभिषेक के लिए खुदावन, जबकि आज खुदा आपने उसे जिंदगी का एक नया साल दिया है खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, जबकि आज उसका जन्मदिन है खुदा। और आपसे प्रार्थना करती हूँ अपनी सारी आशीषों से उसे भरपूर कीजिए खुदावन, उस बच्चे की खुदावन खुदावन जीवन में वो डिजर्व करता है खुदावन, जो भी खुशियां उसे मिलनी चाहिए वो सारी खुशियां उसे मिल सके खुदा, जो भी सारी सक्सेस उसे मिलनी चाहिए वो मिल सके खुदा, आपके नाम में आगे बढ़ सके खुदावन, और खुदा आपके नाम अपने माँ बाप के नाम को खुदा ऊंचा कर दीजिए। प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ और भी जितने भी बच्चे जो किसी कारण से नहीं भी यहाँ पर ज्वाइन हो पाए खुदावन, उनके भी सामने आने वाली हर एक रुकावट को दूर कीजिए खुदावन, ताकि वो खुदावन आपकी कर सके, आपके नाम में आगे बढ़ सके। प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो हम लोग आज यहाँ पर सॉन्ग ऑफ हीलिंग खुदा जो गाने वाले हैं खुदा, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ताकि इन छोटे छोटे खुदावन गीतों के द्वारा खुदा अपना आप तक पहुँच सके खुदावन, और ये संसार जबकि बहुत बड़ी खुदावन आप खुदा से खुदावन जो पूछ रहा है खुदावन, सबको हीलिंग मिल सके खुदावन, सब खुदावन ठीक हो सके, और खुदावन की सारी विपत्ति संसार से दूर हो सके, आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह से आमीन। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं मौका दूंगी मिशेल को। मिशेल, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना माइक भी म्यूट कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना सॉन्ग। हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए, अपना सॉन्ग स्टार्ट कीजिए मिशेल। ओके अरे सुन रहे हैं? सुन
गिर गया था अभी, सब गिर गया था, सब कुछ गिर गया था। मैं उठी ना तो एकदम सब गिर गया था। ओके वेरी गुड मिशेल, वेरी गुड। और आपके सॉन्ग के द्वारा जितने भी बीमार हैं उन सबको चंगाई मिले। अब मैं अनुषा डेविड आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना सॉन्ग गाएं। सभी यस अनुषा, सभी को प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सॉन्ग का नाम है उसका यू रेज मी अप। यस अनुषा, when I am down and all my soul so weary, when troubles come my father be. वेरी गुड अनुषा, और परमेश्वर आपके गीत के द्वारा जितने भी बीमार हैं उन्हें चंगाई दे और सबको आशीष मिले। थैंक यू अनुषा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एंजल, एंजल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस एंजल, आप अपना सॉन्ग गाइए। मेरे सॉन्ग का नाम है भंवर के बीच में। भंवर के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड एंजल। और सचमुच में बीमारी में जब कोई होता है, जो भी इंसान बीमारी में है, तो परमेश्वर कहता है कि उठ जा, और जब परमेश्वर हमसे कहता है कि उठ जा, तो हम सचमुच में हम चंगाई पाते हैं।
और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। और अब मैं हमारा बर्थडे बॉय अभिषेक, अभिषेक अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप अपना सॉन्ग गा सकते हैं। यस अभिषेक, स्टार्ट योर सॉन्ग। माइक अनम्यूट करिए। फिर से तू आप बरसाते। 1 2 3 स्टार्ट। तेज गाओ। तू आप बरसाते फिर से तूफान फिरती सामर्थ से तेरी फिर से अभिषेक। थोड़ा तेज गाओ। आप पर बेत आत्मा आप पर बेत आत्मा चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक। और हमारे बर्थडे बॉय ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जीसस से प्रार्थना कर रहा है कि वो सच में अपनी सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा हम सब पर बरसाए ताकि हम सब जो है आशीषित हो सके। थैंक यू अभिषेक। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने नन्हे से एमिन से। एमिन, आर यू देयर? हमारा छोटा सा एक मेंबर है एमिन। एमिन अभी शायद एमिन को सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज। तब तक मैं जेनिफर से बोलूंगी। जेनिफर हाँ चलिए एमिन आ गए हैं। ओके एमिन, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? तो माइक म्यूट था, आप अनम्यूट कर रहे थे, इतनी देर लग गई आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सॉन्ग गाइए। आता नहीं है, आता नहीं है? इतने सारे तो सॉन्ग आते हैं, गाइए। यीशु तेरी दया वेरी गुड, वेरी गुड एमिन। बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपका। और आपने जो है जो जीसस से रिक्वेस्ट की है कि बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, जीसस जरूर बचाएंगे, पूरे शहर को बचाएंगे, पूरे देश को बचाएंगे। ओके, और आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचेगी जीसस के पास। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट जेनिफर। जेनिफर यस मैम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए बेटा आप अपना सॉन्ग स्टार्ट करें। ओके मैम। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को,
बचा ले मेरे शहर को, तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में, तू भेज यहाँ ते बेदारी खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को. थैंक यू. वेरी गुड जेनिफर, वेरी गुड. सचमुच में आज जरूरत है हमें हर पाप से और हर शाप से बचने की, तभी हम जो है उस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स पा पाएंगे और तभी हम जो है उद्धार पा सकेंगे. चलिए अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ईशान, ईशान ओपन योर माइक. हाँ ओपन योर माइक एंड कैमरा. चलिए आप अपना सॉन्ग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एलिजा रेडी रहेंगी, ईशान के बाद एलिजा तैयार रहेगी. ओके प्रेज द लॉर्ड. ईशान प्रेज द लॉर्ड. मैम मैंने वो प्रिपेयर किया है तो वो अभिषेक ने गा दिया तो मैं उसे गा रहा हूँ. चलिए गाइए कोई बात नहीं. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को, हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. वेरी गुड ईशान, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया आपने और सच में आपने जो प्रेयर करी आप इस सॉन्ग के द्वारा कि फिर से सब कुछ जो है नॉर्मल होगा और फिर से सब कुछ सारे लोग चलाए पाएंगे और सब लोग ऐसे पाएंगे. थैंक यू ईशान. और अब बारी है एलिजा की. एलिजा हमारी छोटी सी एलिजा कैमरा. यस एलिजा. हाँ संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, आगे भी हमको संभाला तूने, अभी भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तूने तेरी छाया शरण गाई हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण गाई हमारी, संभाल प्रभु जी, जीवन थैंक यू.
वेरी गुड वेरी गुड एलिजा, और आपने बहुत अच्छा सॉन्ग चूज किया है, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, हर पल हमें जरूरत है उसकी निगरानी की, उसकी ब्लेसिंग्स की, और जब तक जीसस हमारे साथ हैं तब तक हम हर तरीके से जो है सिक्योर हैं। तो वेरी गुड सॉन्ग एलिजा, क्लैपिंग फॉर यू। ओके, अब तो कोई बच्चा नहीं बचा है, सब बच्चों ने गा दिया ना अपना सॉन्ग। चलिए अब हम अपने वचन की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग नीति वचन पढ़ रहे थे, हम लोग नीति वचन चल रही थी हमारी, नीति वचन की किताब उसका चैप्टर। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए सब बच्चे नीति वचन चैप्टर 6, नीति वचन चैप्टर 6 और उसकी 16 से लेकर 19 वर्ष तक पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास बाइबल है तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 16 से लेकर 19 तक। यस ईशान, आप पढ़ेंगे? यस मैम, चैप्टर 6। हाँ चैप्टर 6 16 से लेकर 19 तक पढ़िए ईशान, जोर से पढ़िए। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन सात है जिनसे उसको घृणा है। ओके ओके ईशान, एक मिनट, हाँ छह, एक मिनट रुक जाइए ईशान। हाँ छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, छह चीज कहती है जिसे यहोवा को बैर है, वरन सात है, ठीक है। तो 7 चीजें हैं आज हम ऐसी पढ़ेंगे जिनके बारे में, जिनसे परमेश्वर को घृणा है, वो नहीं चाहता कि हम काम करें, ठीक है। वर्स 17 जो है एलिजा पढ़ेंगी, वर्स 17 एलिजा पढ़ ले, एलिजा 17 आया था आप लिए 17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें झूठ बोलने वाली जी और निर्दोष का लहू बहाने वाला बनाने वाला हाथ हाथ। ओके वेरी गुड एलिजा, थैंक यू एलिजा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है जिसे हवा को बना है, घमंड से चढ़ी हुई। तो अगर हमारे घमंड मतलब होता है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को हम कुछ नहीं समझते, तो ये घमंड होता है। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज को नोट करेंगे अपने पास, बाद में जब मीटिंग खत्म होगी। फर्स्ट चीज क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। जो कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी है उसके लिए हमारे को परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ना कि उसका बखान करना है दूसरों के सामने। ये नहीं बोलना है मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, ठीक है। और सेकेंड चीज है झूठ बोलने वाली जीव, हमारे को कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा झूठ झूठ ही होता है। तो कभी कभी हम छोटी छोटी झूठ बोल देते ना, मम्मी ने कुछ कहा बेटा तुमने ये किया, डर जाते हैं हम, कहते नहीं नहीं मम्मा मैंने नहीं करा ये, तो वो भी झूठ है, ठीक है। आप सच बोलिए, मम्मा आपको कुछ नहीं कहेंगी, ओके। और आपके आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमेशा आपको हर एक गलती के लिए माफ करेंगे, तो हमें झूठ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरी चीज है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष कौन है, जो कि जिसने कोई गलती नहीं करी है, और उसका लहू बहाना मतलब उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो हाथ होते हैं, जब हमने कोई गलती करी और उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम गलत काम कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, इस चीज से यह हमको डरना है। ओके वर्स 18 इंजन पढ़िए, वर्स 18 अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन बुराई करने वाले को वेद दौड़ने वाले पांव। ओके थैंक यू एंजल, वेरी गुड। हाँ तो चौथी चीज क्या है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हम बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ करते हैं, ठीक है, जो कि हम अपना समय बर्बाद करते हैं हम ऐसी बातों में जिनसे हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें ऐसी उल्टी सी बातें नहीं सोचनी चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी चाहिए और अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए। पांचवी चीज बुराई करने को वेट दौड़ाने वाले पांव, मतलब जो तेजी से अगर कोई भी बुरा काम होता है वो बहुत आसान होता है बुरा काम करना, ठीक है। और तो हम लोग क्या करते हैं, बुरे काम के लिए कितना एकदम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि उससे
आगे जाके हमारे नुकसान पहुंचेगा, तो हम उस अट्रैक्शन के पीछे तुरंत भागते हैं, तो उस चीज से भी हमारे को बचना है। तो ये पांच बातें नेक्स्ट पढ़ेंगे। और किसके पास बाइबल है? विशाल आपके पास बाइबल है? जेनिफर आपके पास बाइबल है? यस जेनिफर पढ़िए। शिवानी आपके पास बाइबल है? शिवानी शिवानी यस मैम। हाँ शिवानी आप पढ़िए, आप पढ़िए नीति वचन चैप्टर 6 वर्स 19 पढ़िए। नीति वचन छठा अध्याय और उसकी 19 वर्स। ओके मैम। कैमरा ऑन करिए अपना। अच्छा मैम। यस शिवानी पढ़िए। 19 यहाँ पर ऐसा लिखा है, झूठ बोलने वाला, साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ठीक है, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। थैंक यू शिवानी। और झूठ बोलने वाला साक्षी, तो ये छठी चीज है। ठीक है, झूठ बोलने वाला साक्षी, साक्षी कौन होता है? गवाह। ठीक है, अगर हम गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं किसी के लिए, कोई किसी ने गलत काम किया और हम भी उसके हमें हमारे हाँ हाँ ये तो इसने कुछ नहीं करा है भाई, ये तो सच हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा साक्षी नहीं बनना है, ऐसा गवाह हमें नहीं बनना है। ठीक है, और सातवीं चीज जिससे परमेश्वर को घृणा है वो है भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो हमें वो मनुष्य नहीं बनना है जो कि दूसरों के बीच में जो है झगड़ा उत्पन्न कराए। ऐसा हमें मनुष्य नहीं बनना है कि दूसरे की फैमिलीज में या दूसरे के रिलेशन में या कोई भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराए। हमारे को ऐसा बनना है कि हम दूसरों मेल कराने वाले बन सके। ठीक है, और हमारे को कैसा बनना है? मेल कराने वाला। ठीक है, क्योंकि हम किसके बेटे बेटियां हैं? उस परमेश्वर के जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। ठीक है, तो हमारे को ये सात चीजें हैं जिनसे हमारे को अपने आप को बचा के रखना है। तो सारे बच्चे अपनी संडे स्कूल की डायरीज में इन चैप्टर नंबर 6 डी वचन का 16 से लेकर 19 तक आप नोट करेंगे। ओके, अब टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, शिवानी आपने कोई सॉन्ग प्रिपेयर किया है? शिवानी आपने कोई सॉन्ग प्रिपेयर किया है? नो। ओके, कोई बात, चलिए अब हम लास्ट में जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी एलिजा से कि वो प्रेयर करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग आए हमारी बाप की दुआ में सब बच्चे एक साथ शामिल होंगे। अपना माइक ऑन करते हैं, हम अपनी मीटिंग को यहां पर एंड करेंगे। यस एलिजा प्रेयर करेंगे। एलिजा धन्यवाद गीता पिता मिशन, आपने हमें अच्छा दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता मिशन। अच्छी सुबह दिखाई पिता मिशन, अंदर रखने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर दिया, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता मिशन। प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को ये सब चीजें नसीब तक नहीं होती पिता मिशन, जो लोग रोडों पे बैठे रहते हैं पिता मिशन, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता मिशन, उनको उनको छूए पिता मिशन, जिससे उनकी कोई भी मजाक न उड़ा पाए पिता मिशन। पिता मिशन उन लोगों को इस बीमारी से भी पिता मिश्रा ये उनको ऐसे छूए पिता मिश्रा जिससे ये बीमारी तक उनको ना छू पाए पिता मिश्रा। पिता मिश्रा प्रार्थना करती हूँ जो आज का दिन ना देख सके उनको अपनी गोद में जगाइए, उनके घर वालों को तसल्ली दिए पिता मिश्रा। प्रार्थना करती हूँ आपने हम सब बच्चों को पिता मिश्रा इस वक्त तक संभाल के रखा पिता मिश्रा, इस वक्त बच्चों को पिता मिश्रा कोरोना हो रहा है पिता मिश्रा, बहुत सारे पिता मिश्रा आपने हम बच्चों को संभाल के रखा है, इसलिए हम आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता मिश्रा। प्रार्थना करती हूँ मैं मीनाक्षी मैम के लिए पिता मिश्रा, आपने अच्छी टीचर दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता मिश्रा। हर चीज में आप आगे हैं पिता मिश्रा, हमने हर चीज अच्छी सिखाती है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता मिश्रा। पर प्रार्थना करती हूँ सब जो बच्चे आज इस दुआ में पिता मिश्रा आ ना सके पिता मिश्रा, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता मिश्रा, उनकी कोई भी कारण से जो इस दुआ में ज्वाइन ना हो पाए पिता मिश्रा, इस बार पिता मिश्रा उनको पिता मिश्रा जब अगली जूम क्लास होगी तो वो जरूर प्रेजेंट होंगी पिता मिश्रा। पिता मिश्रा उनके पास आप हर मुश्किलें हटा के हटा देंगे पिता मिश्रा। पिता मिश्रा प्रार्थना करती हूँ मैं पिता मिश्रा, सारे के सारे बच्चों की आपने प्रार्थनाएं सुनी है पिता मिश्रा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मिश्रा। प्रार्थना करती हूँ अभिषेक के लिए पिता मिश्रा, पिता मिश्रा अभिषेक का जो हैप्पी बर्थडे है पिता मिश्रा, प्रार्थना करती हूँ पिता मिश्रा, अभिषेक अब बड़ा हो रहा है पिता मिश्रा,
उसको अच्छी बुद्धि दी है पितामिश्वर, जिससे वो हर चीज में आगे बढ़े पितामिश्वर। पितामिश्वर प्रार्थना करती हूँ पितामिश्वर, पितामिश्वर जो इस वक्त हमें इस कोरोना से बचा रहे हैं पितामिश्वर, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पितामिश्वर। आपके पितामिश्वर आपके एंजल्स हैं पितामिश्वर, डॉक्टर नर्सेस पुलिस ऑफिसर सफाई कर्मचारी, इन सबको आपके लहू के बाढ़ से बांधती हूँ। इस पूरे देश को आपके लहू के बाढ़ से बांधती हूँ पितामिश्वर। सुनना चाहिए आपको, जिस भी लैंग्वेज में पितामिश्वर लोग दुआ कर रहे हैं पितामिश्वर, उनकी दुआ को कबूल करिए पितामिश्वर। इसमें विनती प्रार्थना को सुनिए पितामिश्वर, और इसका जवाब हाँ और आमीन में दिएगा। इसमें छोटी सी प्रार्थना कबूल करिए, आपके प्यारे बेटे खुदा जी इस वक्त नाम से मांगती हूँ। आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी आशा आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि वेरी गुड अलीजा, आपने बहुत प्यारी प्रेयर की है, बहुत अच्छी प्रेयर करी है, बहुत आपको परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, इतनी प्यारी इतने दिल से आपने प्रेयर करी है, वेरी गुड। और सारे बच्चों को सीखना चाहिए कि हमारे को जब प्रेयर करनी है तो हमें शर्माना नहीं है, हमें हम सिर्फ परमेश्वर से बात करते हैं, तो जो हमारे दिल में है हमें उससे बोलना है, ठीक है। और सब बच्चों ने बहुत अच्छा सॉन्ग गाए, बहुत अच्छे सॉन्ग्स गाए, वेरी गुड। और अब जो मैंने आपको वर्क दिया है उसे आप जरूर करिएगा, और नेक्स्ट संडे अब हम फिर नई एक्टिविटी के साथ फिर से मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय 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 मैम, बाय।